Hello friends, am I audible? Okay, hi. Just let me know if I'm audible. Hello guys, chalo chalo aa jao. Hum shuru kar rahe hain. Main comments dekh nahi pa rahi, kuch problem hai. Okay, hello, namaste. तो शुरू करते हैं, ठीक है क्लास. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. चलो थोड़ी देर में गुड नाइट हो जाएगी. हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जून के, ठीक है. ओके, ये वाला सवाल जो है वो मैंने बता दिया आपको. ओके, एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें, जो आपको 2019 का जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो हमने जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी को उठाया है. ओके, हम भी सबने आंसर भी देख लिया आई थिंक. हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें से सही जो आंसर है वो आप बताएंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे. तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और अच्छी तरीके से करें. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है. तो चलिए, एक्चुअली इसका आंसर तो मैंने गलती से दिखा दिया था, तो चलो फिर भी जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो क्या प्लीज इसको जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, प्लीज टेल मी इसका आंसर. ओके, द एंटी न्यूक्लियर ग्रुप इंटरनेशनल, जो एंटी ग्रुप है इंटरनेशनल कैंपिंग टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, had facilitated the recent summit between the North Korea and South Korea president. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये आपने ICAN के बारे में पक्का ही पढ़ा होगा, है ना. ICAN हमने बहुत सारा न्यूज में देखा था. तो ICAN जो है उसने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो उनके बीच में जो भी बातचीत हुई थी ना, उसको फैसिलिटेट किया था. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है. ओके, दूसरा कह रहे हैं ICAN इज अ विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज. तो आपको बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है, ठीक है. ओके, कम ऑन टेल मी वेदर ए बी सी और डी. सी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स. ओके, so it would be helpful for you, hana, you can just please attempt this question. You can read these sentences, I'm sure. Please attempt this so I can go proceed. So C जो है वो काफी लोगों ने लगाया, C B both बहुत ज़्यादा आ रहा है. C C okay. Okay, this is a thing for the South Indian students. Okay, what you can do is you can just attempt this question. It would be helpful for you. Okay, I'll just use both the languages. Okay, try to attempt this. B, B, C, C सबसे ज़्यादा है. Okay. 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 I'll tell you the answer. चलो फिर, हाँ. मैंने एक्चुअली इसका आंसर दिखा था, डी बी था. ओके ओके, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज टू, यानी कि बी ओनली. व्हाई बी ओनली, देखो इसे नोबेल प्राइज तो मिला था, है ना. इट वाज इन अ न्यूज क्यू था, क्योंकि 2017 में इसे नोबेल प्राइज जो है वो मिला था. ओके, बट इसने ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बातें हुई थी ना,
उसमें उसने कोई भी जो है फैसिलिटेट नहीं किया था, ओके, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ आपके लिए इसलिए रखी है, क्यों रखी है, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, है ना, आप क्या सोचेंगे, एनी हाउ ये न्यूज में तो था ही, ओके, इट वॉज इन अ न्यूज, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बातचीत भी चल रही थी, सो ओके इट वुड बी द राइट आंसर, ऐसा आप सोचने लग जाएंगे, तो ऐसे ही यूपीएससी फंसाती है, ओके, दिस इज अ ट्रिक ऑफ यूपीएससी, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ों के बारे में बहुत ही बेटर वे में पढ़ें, है ना, कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है, तो चलिए वी विल डिस्कस अबाउट इट कि 2017 में वी विल डिस्कस अबाउट आइकन, आइकन जो है उसे 2017 में पीस प्राइज अवार्ड मिला था, ठीक है, क्यों इसे पीस प्राइज अवार्ड मिला था, क्योंकि ये क्या करना चाहती है, जो न्यूक्लियर है ना, सभी के पास कुछ कुछ न्यूक्लियर के न्यूक्लियर के वेपन्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो किस लिए यूज करते हैं, ताकि वो सभी लोगों को परेशान कर सके, डरा सके, जैसे पाकिस्तान कहता रहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा इंडिया के ऊपर, ऐसे कुछ 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 है ना, नॉर्थ कोरिया कहता रहता है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो ओके, तो जो न्यूक्लियर है, ओके, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हो फॉर एनर्जी पर्पस, दैट वुड बी बेटर, अगर आप एट द सेम टाइम इफ यू आर यूजिंग दैट फॉर क्यू एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए, तो ये गलत है, सो आइकन क्या बोलता है, आइकन इसका ये जो आइकन है ना, ओके, आइकन इस ये क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर का प्रोहिबिशन होना चाहिए, है ना, सभी लोग जो है वो न्यूक्लियर के जो आर्मामेंट्स है या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको आप जो है वो पजेस ही नहीं करो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, तो ये इसने ये सारा इनिशिएटिव चलाया, बहुत टाइम से ये चला रहा है, तो इसीलिए ये मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहा है, सभी के पीस के लिए काम कर रहा है ना, तो इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था 2017 में, फाइन, हैव यू अंडरस्टूड, ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, थोड़ा सा इंडिया के लिए ना ये कंसर्निंग इशू था, क्यों, क्योंकि देखिए हमने एनपीटी साइन नहीं की है, और एट द सेम टाइम हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आप क्या कहते हो, आप इंडिया को तो कहते हो कि भाई न्यूक्लियर जो वेपन्स है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दो, आप यूएसए को क्यों नहीं कहते, आप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को क्यों नहीं कहते, आप चाइना को क्यों नहीं कहते, आप सिर्फ हमें ही क्यों कहते हो, तो थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्निंग हो जाता है, बट यू शुड नो अबाउट आइकन, ठीक है, ओके, फर्स्ट ओके, क्या है और कुछ आया है, कितने आर का लेक्चर है, एक आर का लेक्चर है, ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा जो है वो, हाँ मैं थोड़ा सा रोज आऊंगी, ठीक है, मैं थोड़ा सा रोज ही आऊंगी, अब तो कल भी आ रही हूँ, लगभग ये पूरे महीने में दो तीन दिन छोड़कर रोज आऊंगी, ओके, ताकि आपके मैं ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कवर करवा सकूँ, बहुत सारे लोग जो है वो प्लस कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, ओके, तो प्लस कोर्स के बारे में, हाँ मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी प्लस पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल काफी कुछ पढ़ाती हूँ, बट ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल 10:30 बजे जब होगा, आज हम पहले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज बस थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, चलो फिर, ठीक है, ओके, आइकन के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ, आइकन जो है वो कहाँ पे बेस्ड है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाज फॉर्मली लॉन्च्ड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ये बस इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कुछ कुछ चीजें और लिखी वो कुछ याद भी नहीं होगी तो चल जाएगा, तो ये क्या कहता है, अबॉलिश न्यूक्स, यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनको खत्म कर दीजिए, ओके, नेक्स्ट, ओके, ओके, ठीक है, आप प्लीज डू रीड दिस क्वेश्चन, ओके, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्लीज पार्टिसिपेट, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कैन पार्डन, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, है ना, हम कितनी बार पढ़ते हैं, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन, ठीक है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेन अ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ रिस्पेक्टिवली, तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कमिट, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट हैज ओनली अथॉरिटी हु कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, है ना, प्रेसिडेंट जो है वो ओनली अथॉरिटी है, सो आपको लगाना है 1, 2, 1 and 2, नाइदर, क्या लगा रहे हैं लोग, सी लगा रहे हैं, ओके, 1 and 2, सी ज्यादा लगा रहे हैं, hmm.
सी लगा रहे, बी लगा रहे, सी सी सी. इट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया. ओके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. सी सी सबसे ज्यादा आया है, फिर बी है, हाँ, एंड देन बी है. ओके नाउ आई टेल द थिंग. हाँ चलो मैं बताती हूँ आपको जो राइट आंसर है. ओके सी सबसे ज्यादा दिखते हैं, जिन्होंने सी लगाया वो सही है या बी लगाया वो सही है. ए तो बहुत कम आया. ओके ए भी आया है, इसका आंसर सी वाला राइट. ओके तो ए वाले जो है उनकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और जो बी वाले उनकी भी गड़बड़ हो गई. चलो बताती हूँ मैं कि अब ये जो है वो दोनों ही सही है. देखिए प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी है ना. प्रेसिडेंट सिर्फ डेथ सेंटेंस को कर सकता है, गवर्नर थोड़ी कर सकता है. गवर्नर नहीं कर सकता ना. गवर्नर अगर किसी को डेथ से, हम तो बिल्कुल पॉलिटी में ये चीज पढ़ते हैं. और मगर प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं ना वो पार्डन मतलब कि माफ कर सकते हैं. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट है ना, हम इसमें डिफरेंसेस पढ़ते हैं. रिप्राइव का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट का क्या होता है, सजा को कम कर देना या सजा की जो नेचर को बदल देना. ओके ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं ना, तो जो आपको बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी. और ये ऐसी चीज है ना जो आपको बार बार रिवाइज करनी होती है. फाइन, हाय हेलो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी को हाय, प्लीज डू अटेम्प्ट. चलो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. ओके प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का जो डिफरेंस है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड. ओके मैं एक एक चीजों के मतलब नहीं बता रही हूँ कि ये तो बहुत बेसिक आपने पक्का ही पढ़ा होगा. और अगर फिर भी चाहिए तो मैंने पॉलिटी में जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं ना वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है. कोमल शेखावत मेरा नाम है, आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है आपको जो बहुत हेल्पफुल होगा. ओके आपके प्रिलिम के प्रिपरेशन के लिए तो ये कर सकता है. एट द सेम टाइम गवर्नर भी कर सकता है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, ये सारी चीजें कर सकता है. ओके मगर बात ये हो गई कि ये जो है ना जो डेथ की चीजें होती है, डेथ के ऊपर अगर किसी को जो है वो सजा माफ करनी हो तो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, डेथ के ऊपर गवर्नर नहीं कर सकता. यू नो दिस, ठीक है. तो ये वाली चीज हो गई. ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिशन, कमिटेशन, रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और एनी सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, ठीक है. और ऐसा जो कोर्ट मार्शल वगैरह का अगर केस आ जाए तो गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है उसके लिए. तो ये थोड़ा सा बेसिक सा था जो मैंने डाल दिया ताकि मैं देख सकूँ आपकी पॉलिटी की तैयारी कैसी चल रही है. बट आपकी जो अच्छा आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन का कैसा सिस्टम है ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है. आयशा प्लीज डू विजिट माई पेज, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी. ओके आपके मैं रोज ना 10:30 बजे आती हूँ रात में, रोज 10:30 बजे. ओके करंट अफेयर्स हम करते हैं. ओके और तो कुछ नहीं है ना. गवर्नर ऑन सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ मतलब कि वो, अरे सेंट्रल या स्टेट, देखो पहले तो गवर्नर कुछ भी सेंट्रल पे तो जाएगा नहीं, गवर्नर तो किसी स्टेट का होता है. सेकेंड थिंग जब सजा मतलब मौत की सजा माफ करनी हो तो गवर्नर नहीं कर सकता. ऐसे सोचो गवर्नर इतना बड़ा नहीं होता, प्रेसिडेंट बड़ा होता है. ओके ऐसे कर सकते हैं. चलो और क्या था उसे, यहाँ क्या पूछ रहे हो आप मुझसे, मैम प्लीज रिप्लाई. मैं रोज 10:30 बजे आती हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये S-400 बहुत ज्यादा न्यूज में था तो वो हम करेंगे. चलो बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द S-400 जो हमने कहाँ से खरीदा है. बताओ हमने कहाँ से खरीदा है, अब आप बताओगे है ना, कहाँ से खरीदा है हमने S-400. इतना ज्यादा न्यूज में था, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए. और पॉलिटी मैंने देखी आप लोगों की पॉलिटी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत जो है जवाब दिए थे. ऐसे नहीं करना, पॉलिटी रिवाइज करो यार. देखो चलो बताओ, इट हैज रेंज ऑफ 400 किलोमीटर, इट कैन शूट डाउन अबाउट 80 साइमल्टेनियस टारगेट्स, ठीक है. इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय USA, ठीक है. आपको बताना है वन ओनली, वन एंड टू, थ्री एंड टू एंड थ्री. ओके मैम राज्यसभा इलेक्शन भी पढ़ाया है, आप जाओ थोड़ा इकोनॉमी विजिट तो करो, हो जाएगा है ना, वो भी पढ़ाया है मैंने और बना देंगे आगे कोर्स भी. पहले आप हाय पंकज, चलो चलो बताओ रफेल कब आएगा. रफेल भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, रफेल में भी पंगे चल रहे हैं, आफ्टर इलेक्शन आ जाएगा. रशिया, इसका आंसर क्या लगाया आपने, बी लगाया, बी 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 सबसे ज्यादा बी. अरे ए एंड बी क्या होता है, ए सिर्फ बी होता है या तो ए होता है. ओके रशिया ठीक है, रशिया वाला सही बता रहे हैं सब. बी प्लीज पुट ऑन द लाइट ऑन द स्टूडियो, स्टूडियो मतलब रशिया. ओके
तो ठीक है, सबने ज्यादा करके जो आंसर है वो लगाया है बी। चलो देखते हैं, बी बी सबका राइट है, कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोगों ने जो है वो ए या कुछ मतलब डी तो किसी ने नहीं बोला था, बट ए जो है बी वाला तो सभी ने बोला था। तो चलो अच्छा, आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। ओके, रशिया ने डेवलप किया S-400 का, बहुत लंबा सा, बहुत लंबा इशू है, ठीक है, वो मैंने अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा है। पर चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि S-400 के बारे में तो हमको पता है ना, पहले क्या ये रशिया से हम मंगवा रहे बनवा रहे हैं। और S-400 में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है यूएसए। यूएसए क्यों दिक्कत आ रही है, यूएस ने काट्सा के अंदर क्या कहा है, आपको काट्सा के बारे में पता है क्या? काट्सा के बारे में मे बी जो है वो थोड़ा सा पता नहीं, पता यानी चलो बता देती हूँ काट्सा क्या है। पता एग्जैक्टली काट्सा क्या होता है, यूएस ऐसे बोलता है जो भी हमारी एनिमी कंट्रीज है, अगर आपने उनसे कोई भी सामान मंगवाया तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो जो है हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। अब ये काट्सा के तहत ये उनका एक लॉ है, तो उन्होंने इंडिया से क्या कहा कि आप रशिया से S-400 नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे, क्योंकि रशिया जो है वो हमारी एनिमी कंट्री है, अगर आपने उनसे S-400 खरीदा तो हम क्या करेंगे, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये कुछ कुछ बातें चल रही होती है। फिर हमने क्या किया था, हमने कॉमकासा जो है कॉमकासा साइन कर दिया था यूएसए के साथ। क्यों हमने कॉमकासा साइन किया, क्योंकि हमें क्या लगा भाई अगर हम कॉमकासा साइन करेंगे तो S-400 के ऊपर जो भी दिक्कतें हैं वो क्या करेंगे, वो मना कर देंगे, वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं आप जो है वो खरीद लो। मगर कॉमकासा साइन करने की बात भी यूएसए ने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि हम जो है वो आपको रिलीफ देते हैं, आप S-400 खरीद लो, हमको ऐसे मना नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो इशू है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा वर्डिंग इशू है। आप इससे 2019 में सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रशिया और यूएस के बीच में हमारा जो बैलेंस बना के रखना है वो कैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये सारी चीजें आपको S-400 की कंटेक्स्ट में बतानी है। सो ऑफकोर्स ये वाली चीज जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत डिटेल में मैंने चीजों को समझाया है पहले भी, बट क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो पूरी डिटेल में इस पूरे इशू को मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। हमारे लिए S-400 बहुत जरूरी है कि इससे क्या होगा, जो है वो आसपास की जो जितनी भी मतलब एग्जैक्टली S-400 क्या कर सकता है, इसके रडार में ना चाहे वो धरती पर चाहे आसमान पर कोई भी अगर कुछ आया ना उसको बहुत जल्दी से वो शूट कर देगा। तो हम S-400 को कहाँ लगाएंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप बता दूँ यहाँ पे, देख सके ना, समझ लीजिए ये जो है वो क्या है, वो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है चाइना। तो हम क्या करेंगे, एक S-400 यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो क्या होगा, दोनों अगर हमारे पर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 400 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी दिखेगा तो ये बिल्कुल झट से उसको खत्म कर देगा। अंडरस्टूड, ओके, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस मैम, वी आर नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चन कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ वीडियो स्क्रीन, ठीक है, ओके। वीडियो स्क्रीन का क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, प्लीज डू रिफ्रेश या अपना रिजोल्यूशन के बारे में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज बिपिन चंद्रपाल। चलो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये बिल्कुल गलत नहीं करना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। चलो चलो बताओ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज बिपिन चंद्रपाल। सेकेंड, इन इंडिया लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू, ओके, चित्रांगन दास और लाला लाजपत राय वर एसोसिएटेड विद द AITUC, ओके, इट्स लाइक अ मिशन, एम आई राइट, हाँ कह सकते हो मिशन के जैसे है। थोड़ा सा मैप गलत हो गया था, ओके, काट्सा एक्ट को लिबरलाइज था, मैम आई नॉट एबल टू रीड क्वेश्चन, ओके अमेजिंग, आप सब लोगों को बहुत कुछ पता था। हाय कम ऑन, इसका आंसर लगाओ आप, चलो चलो चलो, डी होगा आंसर, ओके, बी बी डी बी सी, ओहो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो क्या आप लोग, चलो बताओ बताओ, और वो भी इतने कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड, अगर 122 लोग है तो एटलीस्ट 100 लोग तो करो, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। बी 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 सी डी वन एंड थ्री, बी डी
ओके चलो, सबसे ज्यादा बी के लिए आया है, फिर डी के लिए आया है, ओके और थोड़ा सा सी के लिए भी आया है. लेट्स सी किसका राइट है. तो द राइट आंसर इज 2 एंड 3. बी भी सबसे ज्यादा था और बहुत सारे लोगों का सही भी था. ओके इसमें क्या ट्रिक थी, इसमें क्या ट्रिक थी, ट्रिक तो बहुत इजी थी. देखो जो लाला लाजपत राय थे ना वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ये बहुत ही बेसिक सी चीज है. अगर आपको ये पता होगी ना कि भाई ये तो गलत हो गया ना, लाला लाजपत राय थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो क्या होगा, वन ऑप्शन जो है वो वहां पर एलिमिनेट कर दो. वन एलिमिनेट तो 2 एंड 3 बचा. भले ही आपको ये पता है या ये नहीं पता है तो भी आप इस सवाल को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से सही कर सकते थे. तो ऐसे करना होता है. जो मेन मेन फैक्ट्स एटलीस्ट वो तो याद रखने होते हैं ना हमको, नहीं याद रखने होते हैं क्या भाई, ऐसे गड़बड़ नहीं करो. चलो ओके, तो स्टेटमेंट वन मैंने आपको बता दिया, लाला लाजपत राय थे वो थे, ठीक है, वो पहले प्रेसिडेंट थे. दूसरा क्या लिखा, लाला लाजपत राय वो फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म विद इंपीरियलिज्म, ठीक है, वो पहले थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से जोड़ा. है ना, कैपिटलिज्म क्या होता है कि भाई लोग क्या करते हैं, खुद अपने बारे में सोचते हैं और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं, और इसे इंपीरियलिज्म आता है. ओके तो उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने इसको लिंक किया. थर्ड क्या लिखा है कि द प्रोमिनेंट कांग्रेस एन स्वराज जो सी आर दास थे ना, उन्होंने प्रिसाइडेड क्या क्या प्रिसाइड किया था, थर्ड एंड फोर्थ सेशन ऑफ AITUC, ठीक है. तो उसके बाद ये कुछ कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि वो आए थे, ये आए थे, ठीक है, ये इतना आप नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं, बट थर्ड एंड फोर्थ क्या उन्होंने ये चीज की थी, वो गांधीयन फिलोसफी पे मानते थे, नॉन वायलेंस की बात जो है वो करते थे. चलो फिर नेक्स्ट करते हैं हम. ओके नेक्स्ट सवाल बहुत जल्दी करना है क्योंकि 11:30 तक की है तो मेरे को सारे खत्म करने हैं. ओके व्हाई इज द रीसेंट डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉग, क्या है, क्या नाम है इसका, नाम थोड़ा सा इसका बड़ा सा है, चलो देखते हैं. नासिका भद्राचूस जो है नाम है इसका, भूपति, भूपति जो सिग्निफिकेंट क्यों है, ये बहुत यूज में था, मुझे एक का भी गलत नहीं चाहिए, सबके सही चाहिए. ओके हेलो हाय जो भी आ रहे हैं. ओके ये जो लेसन है हम जून की करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, जून की करंट अफेयर्स कर रहे हैं सारे के सारे MCQs के जरिए ताकि हो जाए. गुड चलो दिसिंग आपका ये रॉन्ग था, मुझे याद है डी वाला. कमान इसका सही आंसर लगाओ. गलत मुझे एक का भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था. सी बी, अरे तो कम लोग क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो, आप लोगों के लिए ही है ना ये सेशन कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. कमॉन सभी अटेम्प्ट करो. कमॉन जो आता नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, आप अटेम्प्ट करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो बताओ मुझे. BC, 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 BA आराम से ऑप्शन पढ़ो, कोई बात नहीं है, गलत नहीं हो, बस नहीं पता है ना कोई बात नहीं, चलो हम इसको कर लेंगे. देखो नहीं भी पता है तो कुछ तो लगाओ, थोड़ा सोच के पढ़ो आराम से. ABC, ओके CCB, बहुत ही मिक्स आंसर है, बी थोड़ा ज्यादा है. लाइव सेशन का टाइम शेड्यूल है 10:30 रात को. ओके नाउ विल टेल द आंसर, ठीक है बता देती हूँ मैं आंसर जो है इसका. राइट आंसर है बी, ठीक है. बी क्या है ये, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहा है, ये हमने जो है वो ढूंढा है. ओके ये जो हमने इसको ढूंढा है इसका नाम मतलब बहुत बड़ा सा है, हम भूपति बोलेंगे इसको. ये पर्पल कलर का फ्रॉग है, ठीक है, कहाँ पर मिला है ये, वेस्टर्न घाट में मिला है ये. ये क्या करता है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है वो सही करता है. क्यों ये देखो जो ये क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूट्स एडिशनल एविडेंस इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि पहले जो था एक बहुत बड़ा सा जो है लैंडमास था, फिर मतलब बहुत हम पढ़ते हैं ना पेंजिया, फिर वो गोंडवाना, फिर वो अलग अलग हो गए थे ना, हम बिल्कुल शुरू में पढ़ते हैं. तो ये वाली जो है ना ये क्या बताता है कि सिसलिस में ये जो है ये पर्टिकुलर चीज पाई जाती है पर्पल फ्रॉग, बट ये हमारे यहाँ पाई गई, मतलब क्या था, एक बार के लिए हम बिल्कुल साथ साथ में थे,
तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या कराता, क्या बताता है, सही बताता है। ओके, बस इतना सा आप जान लेंगे ना तो हो जाएगा। ये कहाँ पाया गया, वेस्टर्न घाट पे पाया गया। पहला पर्पल कलर का फ्रॉग है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है वो क्या करता है, सही साबित करता है। और इस सिचुएशन में जो है वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो कोई बात नहीं। बॉक्स है लेकिन साइड में करो, दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा भैया? हाँ, ये फ्रॉग है। चलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं दिखाई दे रहा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने थोड़ा साइड बाइड में कर दिया है। कम ऑन अटेम्प्ट करो इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट। इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट जो है वो रिसेंटली रिलीज हुआ था, न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है, ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है नाइट्रोजन एमिशन का। पहले ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा एमिशन होता है, लार्जेस्ट है। कैटल जो होते ना हमारे, हम जो पशु पक्षी रखते हैं, नॉट पक्षी, ओनली पशु। ओके, फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन इन एग्रीकल्चर। ओके, ये क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट शेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड का किसका है, कैटल का होता है। और नाइट्रोजन एमिशन फ्रॉम बोथ कैटल एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर आर ग्रोइंग रैपिडली। तो ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो एमिशन होता है ना, वो कैटल हो या फिर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, दोनों में ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। वन ओनली, ठीक है, वन ओनली, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन टू थ्री। ओके, पीपीटी को मिनिमाइज करूं, पीपीटी को अगर मिनिमाइज कर दूंगी तो आपको जो है प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आज जरा से यहाँ पे लगा लो। ओके, ए, हेलो, चलो बताओ बताओ। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब क्या नहीं दिखाई दे रहा है। आंसर्स प्लीज अटेम्प्ट करें। मैम फेस साइड ब्लॉक साइड में करिए, येलो ओके ओके। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है क्या? अंडरस्टूड, आई एम सॉरी, मुझे आप समझा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, फेस ब्लॉक की वजह से आपको वो दिखाई नहीं देता। ओके ओके, वेट, आई विल डू दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे अभी समझा, मैं करती हूँ उसको। थोड़ा टाइम लगेगा, आज जरा से एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज कल से नहीं होगा, प्लीज प्लीज आज कर लो ना। ठीक है, ओके। तो सी सबसे ज्यादा लगा, आई एम सो सॉरी, सिर्फ आज की दिक्कत है। मैं अभी इसको एडजस्ट करने बैठूंगी ना, इसको आधा घंटा लग जाएगा। करें, थैंक यू। ओके, इसका आंसर ना मैं बताऊं, बहुत ही कम लोगों ने सही लगाया। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, आप लोगों ने इतना कम क्यों सही लगाया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो था ना वो एनालिटिकल क्वेश्चन था। ओके, चलो समझते हैं हम। हाँ, मुझे समझा, आई एम सो सॉरी, सिर्फ आज की दिक्कत है, वो हो जाएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते, वो इम्पोर्टेंट है, कल हो जाएगा। चलो ओके, द थिंग इज कि इसका जो आंसर है ना वो एग्रीकल्चर वाला सिर्फ यही सही है। क्यों यही सही है? हाँ भाई, एग्रीकल्चर जो होता है ना उससे बहुत सारा नाइट्रोजन है वो तो निकलता है। देखो, एग्रीकल्चर रिमेंस द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द नाइट्रोजन एमिशन। ये आपको नहीं पता था ना तो याद कर लो, ठीक है, तो याद कर लो। ठीक है, मैंने आपको मान लिया, ठीक है, तो याद कर लो कि नाइट्रोजन जो एमिशन है वो सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है। ओके, तो नॉन एग्रीकल्चर एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ग्रोइंग रैपिडली विथ सीवेज एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। देखो पीछे क्या लिखा था, पीछे एग्जैक्टली ये लिखा था कि जो है ना नाइट्रस जो होता है ना, देखो ये यहाँ पर एक सेकंड ना, यहाँ पे ये लिखा था कि जो नाइट्रस ऑक्साइड वो क्यों बढ़ रहा है, वो कैटल क्या होती है, कैटल जो हम पशु पक्षी रखते हैं, ठीक है, उनकी वजह से बहुत बढ़ रहा है। नहीं, ये बढ़ रहा है बट किसकी वजह से, सीवेज होता है ना वो जो पूरा गटर का सिस्टम होता है, और कौन सा, जो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये रीजंस को थोड़ा समझना होगा, तभी थोड़ा ऐसे जो सवाल है ना, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा एनालिटिकल हो गया, आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे भाई हाँ एग्रीकल्चर से होता है ये तो पता था हमें,
और नाइट्रोजन ऑक्साइड शायद एग्रीकल्चर में बढ़ भी रहा होगा, मगर ग्रोइंग रैपिडली पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा, सीवेज और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है किस चीज की, रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाने की। पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज की वजह से हम करते हैं ना, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको इसे कम करनी को। इस तरह की एनालिटिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, समझा? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और डेटा लिखा हुआ है कि सिर्फ कैटल 80% अमोनिया करता है, मगर उसकी जो ग्रोथ है सिर्फ 1% की है, ठीक है, इतना आप जाने नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, द प्रोजेक्ट, इसमें सिर्फ बीइंग नहीं दिखेगा, मैं पढ़ देती हूँ, द प्रोजेक्ट टूवर्ड्स इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, पूछ रहा है कि टूवर्ड्स इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है। ओके, यहाँ पर ना आपको सिस्टम है ना, सिस्टम के आगे बीइंग लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम के आगे सिर्फ बीइंग लिखा और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। ओके, इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई थी, तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। देखिए ये बहुत ही हाई यील्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल वो क्वेश्चन जो आप बिल्कुल एग्जाम में देख सकते हैं। ओके, मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडमली ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मैं चाहती हूँ आप जो है बिल्कुल अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस लें, तो प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ओके ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है आपने, चलो मेरे को बताओ, बी बहुत आ रहा है, सी आ रहा है, सी बी, आई थिंक क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़े टफ लग रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपेशन भी कम है और थोड़े गलत भी हो रहा है। बी सी, कम ऑन टेल मी, बी सी, एग्जाम डेट बी, ठीक है। पार्ट वन ना आप कल देख सकते, मतलब कल मैंने लिया था, आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पे दिख जाएगा। चलो मैं बताती हूँ आंसर, इसका राइट आंसर है सी। भाई सभी लोगों ने गलत लगाया, ओ माय गॉड, सी कितने कम लोगों का सही, जिन्होंने सी लगाया ना सभी को कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। हाय नासिम, हाय हाउ आर यू, नहीं बिल्कुल नहीं भूली हूँ मैं आपको नहीं भूली हूँ यार, सही से आंसर लगाओ, हमारा स्पेशल क्लास भी होने वाला है, ठीक है, अनअकैडमी पर। ओके हाय, जो भी है वो सही आंसर लगाओ। मैम कैन आई राइट यू मेल, यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट मी मेल, आप मुझे कोमल सिंह एजेंट, मैं ना इसके कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो पिंक कर दूंगी, मेरा जो है ना मेरा मेल आईडी वो अपने कमेंट सेक्शन में पिंक कर दूंगी, ठीक है। चलो ओके, सो जिन्होंने सी लगाया वो तो आज के चैंपियन है, ठीक है, जिन्होंने लगाया ना वो तो आज के चैंपियन है सीरियसली, क्योंकि बी बहुत लोगों ने लगाया था। ओके, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये वाली पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट है फिर से पढ़ लो, गलत नहीं करना, टुवर्ड्स इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, टुवर्ड्स इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, ये यूएनईपी लगाता, कौन लगाता है, यूएनईपी जो है इस रिपोर्ट को करता है। ये क्या दिखाता है कि हमें जो है वो नाइट्रोजन के यूज को बहुत ही प्रॉपरली करना है ना, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए, और नाइट्रोजन को हमें क्या करना है प्रॉपरली, कैसे हम उसको अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं ना, ओशन क्लाइमेट एटमॉस्फेयर, वही बातें, अच्छी बातें कि एनवायरमेंट वगैरह, ये इतना आप नहीं भी जानोगे ना प्री के लिए चल जाएगा, बट ये कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट, ओके थैंक्स मैम, वेरी गुड, जिन्होंने राइट आंसर लगाया, वेरी 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 गुड। चलो नेक्स्ट, ये तो आपको पूरा दिखेगा, चलो बताओ ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन। ये मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लोग इसको गलत लगाएंगे, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, बट स्टिल देखते हैं। ओके, रिएक्टिव नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस है, जो नाइट्रोजन, देखो क्या बोल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये कैसी होती है, नाइट्रोजन का ही एक रूप है,
जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का डिप्लेशन करती है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कहता है, रिएक्टिव नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट करता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का। स्ट्रेटोस्फेरिक ऊपर होता है, ट्रोपोस्फेरिक नीचे होता है, तो आपको नाइट्रोजन के बारे में एक्चुअली ये वाली रिपोर्ट थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन, ये पूरी रिपोर्ट पे मैंने तीन क्वेश्चंस बना दिए जो इंपॉर्टेंट थे। चलो बताओ, हाँ हिंदी में बोल रही हूँ ना मैं। चलो 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 बताओ बताओ, अरे आंसर लगाओ आंसर लगाओ, गलती नहीं करनी है। ये आपको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन लिखा है, हाँ ना, बस वही लिखा है। नासिम कमाओ, आंसर लगाओ। पंकज, नासिम, दीज आर माय फेवरेट स्टूडेंट्स जो हमेशा होते हैं। कमान नीतीश कुमार, कमान, बहुत सारे, हमारी भी सबकी दोस्ती हो जाएगी। प्रवीण दास, हाय। ओके, इट वाज इजी वन। ओके, सी सी, इतना ज्यादा आप लोग श्योर हो। बी ए बी सी ए बी सी बी ओ, ओहो इतना ज्यादा अलग अलग आंसर है। सी सबसे ज्यादा है, बाकी जो है वो इतना अलग अलग लगाया है अपन, आपने आंसर लोगों को मान लिया। ओके, नाउ आई विल टेल यू द राइट आंसर, देखते हैं किसने किसने सही लगाया। ओके, किसने किसने सही लगाया। ओके, एक्चुअली मैंने ना जो सही वाली स्लाइड है वही जो इसकी उड़ा दी थी, ये जो है इसका राइट आंसर वो सी है। ओके, मैंने सही वाली स्लाइड ही उड़ा दी, चलो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर है सी। सी, जिसने सी लगाया सबको कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड। जिसने और कोई लगाया वो आप लोगों ने थोड़ी सी, कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया वो जरूरी है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना वो राइट है। देखो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, वो नाइट्रोजन का ही एक रूप है जो ग्रीन हाउस गैस होती है, और वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का डिप्लेशन करती है। ओके, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है ना, रिएक्टिव नाइट्रोजन जो होता है ना वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाता है। अब आप, अगर आपको ये बहुत डिटेल में समझना है तो मत समझिए, मत समझिए, इसको बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, या फिर इसको बस याद कर लीजिए, बस हो जाएगा काम खत्म। प्रीलिम में दिख जाए तो ये जो दोनों स्टेटमेंट से कुछ भी दिख जाए तो वो राइट है, बस इतना काम कीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला बताओ, चलो गलत नहीं होना चाहिए। द आइलैंड ऑफ सेंटोसा, ठीक है, सेंटोसा बताना है आपको कहाँ पे लोकेटेड है। मैप बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैं आपके लिए कितने डाइवर्सिफाइड, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैप है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ बना रही हूँ। आपको कहाँ मिलेगी ऐसी फैसिलिटी। ओके, चलो तो कॉन्ट्रीब्यूट करो, चलो सबको बताओ बताओ बताओ। वॉज द फास्टेस्ट, शिवानी स्पीच स्लो है, कमॉन कमॉन कमॉन, गलत नहीं करना है इसका। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना मैं कल स्लाइड में डाल दूंगी, मगर मुझे नहीं लगता आपको इसके एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत है, प्रीवियस जो क्वेश्चन था। थैंक यू, चलो कमॉन कमॉन, इसका राइट राइट आंसर बताओ, कहाँ पर है ये बताओ। सभी को अटेम्प्ट करना है, 138 लोग है, कम से कम 100 लोग तो करो यार, करो करो करो, कोई बात नहीं, करो करो करो। ए ए ए मेडिटेरेनियन, ए सी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी आ रहा है। ओके 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 ओके, ए सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझको, पंकज ने ए लगाया है। ओके, नासिब ने भी ए लगाया है। ओके, संजय जी ने भी ए लगाया है। ओके, मैं बता देती हूँ उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए। चलो ए, मतलब ठीक है, इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। ये सिंगापुर के पास, जिन्होंने सिंगापुर लिखा, वेरी गुड वैशाली, है ना। ओके, चलो चलो चलो, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये मैप देख लो भाई, दोबारा से देख लो, ये क्या है, ये हमारा एशिया है पूरा, है ना, वी नो दिस, ठीक है। फिर ये अफ्रीका, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ये पूरा हमारा, ये सब कुछ। ओके, और फिर यहाँ पर ये म्यांमार एंड ऑल, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंगापुर, यहाँ पे है सेंटोसा आइलैंड, कहाँ पर है। क्यों ये न्यूज में क्यों था, सेंटोसा पड़ी क्यों रहा है, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, कौन है डोनाल्ड ट्रंप तो पता ही हमको, और नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन जो भी है, ओके, उनका उनकी यहाँ पे क्या हो रही थी मीटिंग वगैरह जो थी ना, सबमिट जो हुई थी, वो कहाँ पर, सेंटोसा आइलैंड, कहाँ पर, सिंगापुर, ठीक है, गलत नहीं करना है। हीरा मैप, हीरा मैप देख लीजिए दोबारा से मैप को। ओके, हलवा
गुड ठीक है चलो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस द एनुअल ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ाई करी है बताओ कि अच्छा मैं शायद आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या लिखा है ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है वो आपको बताना है ग्लोबल थोड़ा सा आज ना मेरी फोटो आ रही जबरदस्ती की वो मैं हटा दूंगी डोंट वरी ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है प्लीज बताओ मुझे कम ऑन मुझे इसका राइट आंसर चाहिए बी सी बी अपनी आप चॉकलेट दिखा रहे शांत हाय जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हाय कम ऑन BCA BC क्या हो रहा है भाई ऐसे अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं DAB हेलो हाय जो भी आए प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नहीं पता किसी को हाँ जो पिक दिख रही है ना मेरी सामने तो आई एम सो सॉरी उसको थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी उसमें बहुत समय लग जाएगा तो इसीलिए मैं उसको कल से ही कर लूंगी आज मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ ग्लोबल पीस इंडेक्स लिखा हुआ है क्या लगाया आप लोगों ने बी लगाया है पंकज ने ठीक है डी अरे 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 बी डी कोई भी ज्यादा मेजोरिटी का आंसर मेरे को दिखा नहीं मतलब आप बहुत ही कम लोगों को इसका राइट आंसर पता है चलो मैं बता देती हूँ आंसर बी होगा बी थोड़ा सा ज्यादा है और फिर डी है ओके इसका आंसर है बी ठीक है बी जिनका था कंग्रेचुलेशंस आपने पढ़ाई करी है जिनका नहीं था वो बिल्कुल डिसहार्टनिंग कोई बात नहीं आपने अटेम्प्ट किया वो बहुत जरूरी है ना अटेम्प्ट करते रहे और बिल्कुल ही कसम खा ले जो हमारा एक बार रॉन्ग हो गया वो कभी दोबारा रॉन्ग नहीं होगा ओके चलो क्या है ये इन्होंने क्या इन्होंने जो है वो इस रिपोर्ट के अनुसार जान लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स कहीं दोबारा दिख जाए तो वो कौन करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने किया है ठीक है और बोलते हैं कि ग्लोबल जो पीसफुलनेस होती है ना ग्लोबल पीसफुलनेस जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक थोड़ी इम्प्रूव हुई है ओके इंडिया की रैंक थोड़ी इम्प्रूव हुई है तो इसीलिए ये न्यूज में था ठीक है हमारी जो रैंक है वो कितनी है 137 आउट ऑफ 163 ठीक है और ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जिसने भी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बताया था वेरी गुड आप लोगों को पता है यानी कि आप थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं है ना वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलो कसम खा लो बिल्कुल कोई गलत नहीं करना दोबारा से चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अब इस क्वेश्चन में जिसको नहीं दिखाई देगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी आपको बताना है कि अंडमान ग्रुप निकोबार ग्रुप वेस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न घाट इसमें से कौन सा जो ऐसा पार्ट है जो कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी लिखा हुआ है जहाँ मेरी फोटो आ रही है वहाँ बायोडायवर्सिटी लिखा हुआ है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट नहीं है ओके वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी का पार्ट नहीं है आपको मुझको ये बताना है चलो बताओ गला सूख गया मैंने तो बोल के 15-20 मिनट ही बाकी हमको बहुत सारा काम करना चलो कम ऑन बटा मैं बताऊं बहुत कम लोगों का सही है ये ओके हाँ ISB नसीम बी का पंकज जी बी ठीक है ऐसे मुकाल अकेडमी बी ओके राजेश BCA आसान है अच्छा ओके सबसे ज्यादा आंसर ना सी और बी था उसके बाद मगर जिन जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है सभी को कांग्रेचुलेशंस अरे यार क्या पंकज आपने भी गलत किया इस बार तो नसीम का सही था और जिन्होंने इसका आंसर ना ए लगा देखो ए कितने कम दिख रहे हैं मुझको ए बहुत ही कम दिख रहे हैं उदीपन फिर आरिफ है ना फिर यहाँ पे निशांत ओके दिस इज वेरी बैड ऐसे नहीं करना है आप लोगों को नहीं नॉट रियली बैड दैट इज ओके आपने अटेम्प्ट किया ये जरूरी है
चलो आज हम रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा गलत नहीं होगा. ओके, हिमालयन कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे कौन से है? हिमालयन है, हिमालय, सारा हिमालय, बड़ा सा हिमालय हमारा पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना चाहते हैं. इंडो बर्मा, इंडो बर्मा कहाँ पर आएगा? नीचे नीचे ना, म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला होता है. और कौन सा है? सुंडालैंड. ठीक है, इसमें कौन आएगा? सुंडालैंड जो है ना, इसमें निकोबार आएगा. ठीक है, निकोबार आएगा, मगर इसमें अंडमान नहीं आएगा. नहीं आएगा दोस्तों, कृपया याद रखें, अंडमान नहीं आएगा. ओके, चलो उसके बाद वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जिसने लगाया था ना, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, वेस्टर्न घाट तो इतना इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न घाट को मना कर दिया आपने, ऐसे नहीं करो. ठीक है, ओके, ठीक है, चलो हमने देख लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लेना. देखो ये दिख रहा है आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है. ओके, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है. ओके, ये वाला है, यहाँ पे फोटोज के साथ मैंने बता रखा है आपको. चलो चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट डस सॉरी डज नॉट डज नॉट क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉर्थ कोरिया हैव बॉर्डर्स? ठीक है, बॉर्डर्स लिखा है ये लास्ट में, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो बॉर्डर्स लिखा है, यहाँ पे बॉर्डर्स लिखा है. आपको सिंपली ये बताना है कि भाई नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर किससे किससे मिलता है. बहुत सिंपल सा सवाल है, बस बता दो. और ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो मैप की पढ़ाई और करनी चाहिए. बॉर्डर लिखा है लास्ट में, जहाँ मेरी फोटो आ रही है ना, वो बॉर्डर लिखा हुआ है. चलो बताओ. ठीक है, पूरा हिमालय, पूरा हिमालय आ जाएगा. पढ़ो पढ़ो, बताओ बताओ. सी ए सी बी सी ए बी सी, अरे 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 अरे, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, बस ए सी 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 सी, संजय आरिफ, पंकज सी, नासिम सी, रिपन इज ए, रितीश सबका साथ करते हैं. ओके, नवनीत इज ए. ओके 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 ओके, ए और सी सबसे ज्यादा आया है, ए बहुत ज्यादा है, देन सी आया है, और कोई ऑप्शन आया नहीं है. चलो देखते हैं इसका जो राइट आंसर, जिसको जिसका राइट आंसर है उसको ना आएगी क्या मिलनी चाहिए मेलोडी. कमॉन, इसका राइट आंसर है सी. कमॉन यार, सी है इसका राइट आंसर. मैंने जानबूझ के रखा था, मैं जानना चाहती थी कितने लोग करते हैं. अरे अरे हाँ, चलो जिसका इसका राइट आंसर था ना, वो डी पन का सर इस बार रॉन्ग था. क्या पता. चलो ओके, ये जो है वो मिले थे हमें, क्या करना, मिलने दो. ये कुछ कुछ उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, इतना डिटेल्स समझाने लगोगे ना काम खराब हो जाएगा. चलो डिटेल्स ही समझते हैं. मैप देखते हैं, मैप ही कहाँ गया, ये हमारा ये नॉर्थ कोरिया, ये पूरा क्या है, नॉर्थ कोरिया. ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, ये हो गया चाइना, चाइना, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ये हो गया रशिया, रशिया दिख रहा है, ये रशिया है, ये मेरा अभी जो पेन घूम रहा है ना, ये रशिया है भाई, रशिया है. ठीक है, गलती नहीं करनी है. चलो मैप करो, मैप 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 अच्छे से करो. ऐसे होता है एक्चुअली ना, थिंग इज हम बहुत पढ़ते हैं, और जब हम सवाल करते तो समझ में आता है कि कितना कुछ हमने अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ा था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा टफ जो भी कह रहे थे ना, मैक्सिमम आंसर इज राइट. ओके सचिन, कंग्रेचुलेशंस, मैप देख में बहुत मजा आता है. ओके अमेजिंग. ओके चलो चलो, कोई बात नहीं, गलत हुआ था ना तो भी कोई बात नहीं, बट चलो मुझको इसका आंसर बता दो. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, देखो ओके ये मेरी फोटो आ जाएगी तो आप लोगों को शायद ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे, मैं बता देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ SBF यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई RBI इन 2015. कह रहे हैं पहली बार 2015 में आया था. दूसरा कह रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक बट दीज विल देन बी सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज RBI. यानी कि क्या हो सकता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इसमें दो जगह के रेगुलेशन लगेंगे, इसमें स्टेट का भी रेगुलेशन लगेगा, इसमें RBI का भी रेगुलेशन लगेगा, है ना. ये दूसरा स्टेटमेंट है. थर्ड बोल रहा है कि SBF आर सब्जेक्ट टू सच नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI एज एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स. बोल रहे हैं कि SBF जो होता है ना, उसमें CRR और SLR दोनों लगता है.
आपको समझा? ओके, फोटो आ रहा है इसमें, फोटो आ रहा है, न्यू फोटो आ रहा है, बट वहां पर ना सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा है, जहां मेरा फोटो आ रहा है ना वहां सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कहां गया ये? यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़े। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। और मैं एक चीज और बता दूं कि, और मैं क्या बता रही थी, एक सवाल था ऊपर, पता नहीं क्या सवाल था। हाँ, मैं बोल रही थी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ना मैंने करंट अफेयर से बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप प्लीज मेरी प्रोफाइल पर जरूर जाइएगा, मैंने आपके लिए बहुत सारे लेसन बना रखे, हमने बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलो बताओ, ए बी डी सी बी ए बी सी डी बी ए बी सी डी बी, नहीं मालूम नहीं मालूम, ये थोड़ा सा टफ टफ सवाल है, न्यूज में था। चलो कोई बात नहीं मैम, रशिया नहीं, कुछ टच करता है, रशिया टच करता है, ओके दयानंद, दयानंद आई एम सॉरी दयानंद, रशिया टच करता है कोरिया से, ओके ओके गुड, शिवानी बता रहे हैं कुछ, ओके आई थिंक ये थोड़ा सा टफ सवाल था इसलिए कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट कोई बात नहीं, जिन्होंने भी किया आई रियली डू अप्रिशिएट, हम करेंगे ना इसको, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी। सी कितने लोगों का था? बहुत कम, वैसे चार पांच देख पा रही हूँ। सी है इसका आंसर, सी बहुत कम लोगों का था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सो अभी याद कर लेना इस चीज को, कोई बात नहीं है ना, है ना, कोई बात नहीं, टेंशन की क्या बात है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जैक्टली वो उसको ना 2009 में, नॉट 2015 में, बट 2009 में जो रघुराम राजन है ना उन्होंने उन्होंने ये चीज बताई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 2015 नहीं है, 2009 है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो है ना इसमें क्या होगा, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कन्वर्ट कर देते हो तो क्या होगा, तो उनको ना स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं लगेंगी, केवल आरबीआई की रेगुलेशंस लगेंगी। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो मैं इस, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को जब ये तो वीडियो अवेलेबल होगा दोबारा से देख लीजिएगा, बट प्लीज थोड़ा याद रखिएगा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें केवल आरबीआई की रेगुलेशन लगेगी, स्टेट की नहीं लगेगी। करंटली जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी होती है उस पर स्टेट की लगती है, स्टेट की भी लगती है, आरबीआई की तो लगती है, और सीआरआर और एसएलआर यानी कि थर्ड वाला जो स्टेटमेंट था ना बिल्कुल करेक्ट था, और जो एसएफबी होगी ना उस पर सीआरआर और एसएलआर लगेगा, ठीक है, गलत नहीं करना है, दोबारा से देख लीजिएगा, ओके ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कितना टाइम हो गया, टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, अ टर्म यूज्ड इन दिस न्यूज, ओके अभी आपको ये दिखाई नहीं देगा। देखो जहां मेरी फोटो है ना वहां पे लिखा है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, मैं लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पर ना एम्पावर्ड, ठीक है, एम्पावर्ड क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि आप बताएं कि ये चारों में से कौन सा एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले स्टेट हैं। ये थोड़ा सा माउस से लिख रही हूँ ना उससे गलत, थोड़ा सा मेरी फोटो जहाँ लिखी है वहां पे क्या लिखा हुआ है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, नहीं सुना होगा तो नहीं बता पाओगे। चलो बताओ, मेरा नाम कोमल शेखावत है दीप्ति, राइट कोमल शेखावत इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, कोमल शेखावत, इट्स डिफिकल्ट, आई एम सो सॉरी, प्लीज बताएं प्लीज बताएं प्लीज बताएं इसका आंसर, ए ए आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। देखो ये सवाल पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में आते हैं, डी के लिए श्योर है, चलो ठीक है, कुछ
कुछ लोग शॉर्ट नहीं है, देख लेते देखा टफ हो गया ना क्वेश्चन, शुरू में सब कह रहे थे बहुत इजी इजी सवाल है, अब हो गया यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है डरा डरा के। डी वाला राइट था, डी वाला बहुत सारे लोगों ने लिखा भी था, चलो जिन्होंने लिखा था वेरी वेरी गुड, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखो क्या है ये क्या बता नहीं क्या लिख दिया, चलो देखो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान जो है ये एम्पावर्ड जो एक्शन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कौन से होते हैं, मतलब इससे क्या होता है कि 48% ये टोटल पॉपुलेशन में हमारे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है फर्टिलिटी की और मोर्टैलिटी की जो रेट्स है वो दोनों ही हाई है, ओके दोनों ही हाई है और यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कौन से, वो स्टेट्स हैं जहाँ पर फर्टिलिटी की और मोर्टैलिटी दोनों ही रेट हाई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कहाँ पे कौन से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। आपको फोटो में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई एम सो सॉरी यार, मैं इसको कल सही कर दूंगी, हाँ आई एम सो सॉरी। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके न्यूट्रिनो किसको किसको पता है, न्यूट्रिनो वाला सवाल आ गया। इट इज डिस्कवर्ड, अच्छा ये थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली मैं काम नहीं कर सकती। द डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली अनडिटेक्टेड थर्ड न्यूट्रिनो नोन एज स्टेराइल न्यूट्रिनो रेट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल मॉडल ऑफ इट्स लिमिटेशन एंड एक्सप्लेनिंग हाउ द वर्ल्ड अराउंड, चलो मैं इसको नॉर्मल भाषा में समझा देती हूँ। लिखा है कि हमने ना जो स्टेराइल न्यूट्रिनो है उसको ढूंढा, तो वो क्या करेगा, ठीक है तो वो करेगा नोन एज स्टेराइल न्यूट्रिनो रेट्स द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इट्स लिमिटेशन एंड एक्सप्लेनिंग हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क्स, यानी कि देखो जो होता है ना न्यूट्रिनो जो होता है ना न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो हमको पता है क्या होता है, नहीं पता तो हम वो आगे देखेंगे क्योंकि अभी मैं नहीं समझाऊंगी आपको। न्यूट्रिनो होता है उसका एक पार्ट है स्टेराइल न्यूट्रिनो, हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे ना, अगर हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम जो वर्ल्ड है यूनिवर्स है उसको नहीं जान पाएंगे, ओके। दूसरा क्या है, इंडियन बेस्ड जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने स्टेराइल न्यूट्रिनो को ढूंढा, बहुत टफ है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ और ये दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, आपको नहीं दिखाई देगा, मैं इस आंसर को बता देती हूँ, है ना, आपको इस आंसर को ज्यादा पता भी नहीं होगा, मैं बता देती हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा। न्यूट्रिनो क्या होता है आपको पता, हमारे यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, जो सन होता है, सन की ना बहुत, इसका एक्चुअली आंसर डी है, छोड़ दीजिए कोई नहीं, आपको नहीं भी पता ना तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए इस आंसर के साथ, कोई बात, ठीक है, इसका आंसर डी है, बहुत ही कम लोगों ने बताया था, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, न्यूट्रिनो एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना आपने सुना होगा बोधी हिल थेनी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, मैं जो बोल रही हूँ उसको रिपीट नहीं करूंगी, ध्यान से सुने प्लीज, ध्यान से सुने। हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में जो बोधी हिल्स है वहाँ पे एक थेनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हम बना रहे हैं, एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। क्या होगा इसमें, हम इसमें न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में क्या करेंगे, न्यूट्रिनो के बारे में सर्च करेंगे और हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। अब न्यूट्रिनो होते क्या है, न्यूट्रिनो क्या होते है? जो सन होता है ना, सन वो उसमें से बहुत सारी जो है लाइट वगैरह एमिट होती रहती है ना, बहुत सारे कुछ तो उसमें से न्यूट्रिनोज भी निकल रहे होते हैं। न्यूट्रिनोज के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, यानी कि आप समझ रहे हैं, आप अभी भी जो अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे आसपास भी बहुत सारे न्यूट्रिनो हैं जिनको मैं देख नहीं सकती क्योंकि ये इनके अंदर ना ग्रेविटी नहीं होती, मतलब ये बिल्कुल मासलेस होते हैं, ये ऐसे टकरा भी रहे हैं तो जरा भी पता नहीं चल रहा। बिलियंस बिलियंस अमाउंट में न्यूट्रिनो होते हैं और कहते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है ना, तो उसी स्पीड से न्यूट्रिनो चलते हैं और न्यूट्रिनो क्या करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे इस शेप में होंगे तो चलते चलते अपना शेप बदलते रहते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिनो होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिनो क्यों जरूरी है, ऐसा कहा जाता है कि न्यूट्रिनो को अगर सर्च कर लिया जाएगा तो, मतलब न्यूट्रिनो के बारे में अगर ज्यादा पता लगाएंगे तो हम वर्ल्ड कैसे बना था, यूनिवर्स कैसे बना था, हम इसको और पता लगा सकते हैं। तो न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ पर लगाई जा रही है, कहाँ, तमिलनाडु बोधी हिल थेनी डिस्ट्रिक्ट, मैंने बिल्कुल पता ही बता दिया आपको। तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, क्या प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉब्लम हुई थी, चलो वो वाला जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज मेरी प्रोफाइल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ओके, हमारे आसपास हमेशा चार्जलेस होते हैं, मासलेस होते हैं, वेरी गुड, बहुत लोगों को पता है, तो ठीक है
वेरी गुड वेरी गुड, है ना, आप लोगों को पता है तो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बता देंगे ये वाला बता देंगे क्या? लास्ट क्वेश्चन है, आए तो करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। थोड़े मैंने टफ क्वेश्चन, देखो मैंने टफ क्वेश्चन नहीं डाले हैं, मैंने क्या डाला है पता है आपको, मैंने आपके सामने वो क्वेश्चन रखे हैं जो रियल में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने न्यूट्रिनो अभी समझाया था, आप क्या कर सकते हैं ना, आप इसको जो है वो, हाँ मिस्टेक, अब मैंने कहा था है ना, बात यह है कि रिपीट में नहीं करी क्योंकि मैंने अभी इसको समझाया है, आप भी कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पर आ जाइए, बहुत ही डिटेल में न्यूट्रिनो को समझाया मैंने, है ना। तो चलिए आज के लिए बस, थक गए सब, ओहो ओहो चलो थक गए। अच्छा चलो ये लास्ट, एकदम लास्ट, एकदम लास्ट, YouTube पे नहीं ढूंढना है दोस्तों, आप कहाँ ढूंढेंगे मेरी प्रोफाइल, रुको मैं अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ, लास्ट क्वेश्चन कर लो, मैं प्रोफाइल दिखा दूंगी, लास्ट क्वेश्चन कर लो। हाय अदीब, आपकी फर्स्ट क्लास है या? हम कल भी करेंगे क्लास, कल भी आ जाना, आज के लिए बस थक गए, ऐसे थोड़ी है आईएएस ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना, थकना नहीं है। ओके चलो चलो मैं बता देती हूँ, अच्छा चलो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ना वो, इसका राइट आंसर इसे कितने लोगों ने सही लगाया, जो इसका सही है ना वो तो किसी ने लगाया ही नहीं। वो तो किसी ने भी नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया ना डी। ओहो कैसे करोगे यार, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चलो कोई नहीं, मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत मास्टर कर दूंगी मैं, ठीक है। मेरी जो मिनी बॉर्न है ना, मिनी बॉर्न या आइस क्यूब माइनस एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली हुए थे, वो किसके संदर्भ में हुए थे वो ये पूछ रहा है, अगर एग्जाम में दिख जाए तो मेरे लिए मेरे को थैंक्स बोल देना कि मैम ने पढ़ाया था, मेरे दो नंबर बन गए। ये जो है ना वो एग्जैक्टली न्यूट्रिनो की जो एक्सपेरिमेंट हो रही है यूएसए में उससे रिलेटेड है, या अभी न्यूट्रिनो जो पढ़ा हमने उसी से रिलेटेड है, ठीक है। डी बहुत कम लोगों ने लगाया, नो देख कर नहीं लगाना, ऐसे थोड़ी होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है चलो चलो ओके, आज सब थक गए हो, चलो कोई बात नहीं, कल 3:30 बजे दोबारा आ जाना और सवाल करेंगे, बट ये मैं सही बता रही हूँ, अगर आप कोई भी सवाल कर रहे थे, आई डोंट नो आपकी क्या प्रिपरेशन थी, बट ये वो सवाल है जो रियल में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर रही है, आप एनहांस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ, रुको मैं बता रही हूँ, ये मैं अपना प्रोफाइल दिखा देती हूँ आपको, सभी लोग मुझे पूछ रहे हैं ये मेरी प्रोफाइल कहाँ है, ये कोमल शेखावत, ठीक है, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाती हूँ, प्लस में मैं क्या पढ़ाती हूँ, प्लस में मैंने GS3 GS4 एथिक्स और क्या क्या पढ़ाया मैंने, डिफेंस, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये मेरी, आप अगर आप प्लस आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पर आ सकते हैं और मुझे कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारे सवाल थे, आई नो मैं कल उसको एड्रेस करूंगी, आज नहीं टाइम हो चुका है, आप आ सकते हैं। और अभी ना प्लस में मैं पढ़ाऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो जो लोग यहाँ पे प्लस के मेंबर्स हैं मैं उनको बता दूँ, कल 8 से 9:30 के बीच में प्लस वाला है हमारा लाइव कोर्स, आ जाना हम पढ़ेंगे अच्छे से, ओके। सो दिस इज माई नेम, आप क्या करेंगे, आप अनअकैडमी जो होती है ना, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो वहाँ पर मेरा नाम लिखिए कोमल शेखावत, वहाँ पे बहुत लेसन बना, देखो लेसन दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया है, एनवायरमेंट पढ़ा दिया है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया है, पढ़ते यूनियन बजट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, आना वहाँ पे करें, ओके हो गया, ओके थैंक यू, यस आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, चलो फिर ओके आई कंसिडर दैट थिंग, थैंक यू डैनियल, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। Good night, good night.